सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो के T3 5G फोन के बारे में। अगर आप लोग वीवो का T3 5G फोन यूज कर रहे हो, फाइनली अगर आप लोग चाहते हो अपने बैटरी में सेटिंग करना, जैसे कि दोस्तों अगर आपकी बैटरी जल्दी से कंज्यूम हो जाती है, जल्दी से डाउन हो जाती है यूज करते समय, तो फाइनली दोस्तों यहां पर मैं बताने वाला हूं बैटरी 5 टॉप सेटिंग के बारे में, जो कि टॉप सेटिंग आप लोग करने के बाद आपकी बैटरी की बैकअप 101% बढ़ने वाली है, जो कि यहां पर मैं बताने लगा हूँ कुछ सेटिंग। उस सेटिंग को आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आपके वीवो के T3 5G फोन में बैटरी बैकअप अच्छी खासी मिलने वाली है। फाइनली इसी के बारे में मैं आप लोग को डिटेल के साथ बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग वीवो का T3 5G फोन यूज करो, बैटरी सेटिंग करना चाहते हो, अपने फोन में बैटरी सेवर मोड को यूज करना चाहते हो, बैटरी सेवर मोड के बारे में जानना चाहते हो, तो यहां पर आप लोग को मैं डिटेल के साथ बता रहा हूँ 5 टॉप सेटिंग बता रहा हूँ बैटरी के बारे में, जो कि इस सेटिंग को फॉलो करने के बाद आपकी बैटरी अच्छी खासी बैकअप देने वाली है, जो कि 101% ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो यहां पर आप लोग को आ जाना पहले सेटिंग के अंदर, एंड सेटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है, नीचे आपके फोन में बैटरी का ऑप्शन मिल जाएगा, बैटरी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हो आपके फोन में इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है, जो कि चार्जिंग हमारा 100% चार्ज है बैटरी, और नीचे आपको मिल जाता है बैटरी सेवर। तो यहां पर आप लोग देखते हो बैटरी इन बैटरी सेवर मोड द सिस्टम लिमिट टर्न ऑन, यहां पर आपको टर्न ऑफ बैकग्राउंड एक्टिवेट सम इफेक्ट। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपने इसे इनेबल कर रखा है बैटरी सेवर मोड को, यहां पर टर्न ऑन कर दिया, अब दोस्तों यहां पर आपका फोन तो डार्क मोड में हो ही जाता है, लेकिन डार्क मोड में होने के बाद यहां पर आपको कई फायदा होने वाला है। क्योंकि पहला फायदा है आपका आंख पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एंड चूंकि आपके फोन में जब डार्क मोड में फोन यूज करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, चमक भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, एंड बैटरी यहां पर आपको येलो कलर की देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहां पर बैटरी सेवर को यूज करने के बाद यहां पर आपकी बैटरी अच्छी खासी बैकअप देने वाली है, क्योंकि अगर आपके फोन में 20% फोन में चार्ज है तो यहां पर 40% की बैटरी बैकअप मिलने वाली है। तो दोस्तों आप लोग हमेशा यहां पर जो कि इस चीज को यूज कर सकते हो, यहां पर बैटरी सेवर मोड को यहां पर यूज कर सकते हो। अब यहां पर बैटरी सेवर मोड आप लोग को यहां पर मिल जाते हैं, इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहां पर आप लोग अगर इसे बंद करते हो तो यहां पर आपको बैटरी सेवर मोड यहां पर ऑफ हो जाती है, अदरवाइज आप लोग यहां पर इसे इनेबल करते हो तो बैटरी सेवर मोड यहां पर आपके फोन में इनेबल हो जाता है, और नीचे मिल जाता है आपको बैटरी लेवल लो, यहां पर आप क्लिक करोगे बैटरी लेवल लो पे और यहां पर आपको कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। नीचे आपको बैटरी बैकग्राउंड पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, सभी के बारे में आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगा। तो इसे अगर मैं बंद कर देता हूं तो यहां पर हमारा डार्क मोड से हट जाता है, एंड उसके बाद दोस्तों नीचे आपको मिल जाते हैं कुछ एप्स रिकमेंडेशन, तो यहां पर आपको क्लिक करना, एंड यहां पर आपको ऐप रिकमेंडेशन के अंदर कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है, तो आपको यहां पर कुछ नहीं करना है। तीसरा नंबर आपको बैकग्राउंड पावर मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर क्लिक करना, एंड इसके अंदर आपको एप्लीकेशन शो करेंगे, एंड ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कौन से एप्लीकेशन पर ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है यहां पर आप लोग चेक कर लेना है, और यहां पर आपको डोंट नॉट रीसेट बैकग्राउंड पावर यूजिंग पर क्लिक करके छोड़ देना है। जिस ऐप को अगर आप लोग यूज नहीं करते हो तो इसी तरीके से आप लोग को कर लेना है, अगर आप लोग जिस ऐप को यूज करो तो आप लोग को कंट्रोल स्मार्ट कंट्रोल पे रखना है, तो यहां पर आप लोग को इस चीज को कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पर दूसरा सेटिंग तो मैंने बता दिया, तीसरा नंबर आपको आ जाता है यहां पर चार्जिंग सेटिंग, एंड चार्जिंग सेटिंग एक नया फीचर आपको देखने को मिलता है फनटच ओएस 14 में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर ऑप्टिमाइजेशन, यहां पर आपको बैटरी लाइफ इसे ऑन करके रखते हो तो यहां पर आपकी बैटरी लाइफ अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, अगर बंद कर दोगे तो बैटरी लाइफ थोड़ा बहुत गिर जाएगा। तो यहां पर आपको मिल जाता है टर्न, यहां पर आपको बैटरी लाइफ यहां पर देखने को मिल जाती है, इसके अंदर आप लोग चार्जिंग पे फोन को लगाते हो तो अच्छी खासी आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग T3X 5G फोन में ट्राई कर सकते हो, सॉरी दोस्तों T3 5G फोन में आप लोग ट्राई कर सकते हो बैटरी सेटिंग को। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको तीसरा नंबर बैटरी स्टाइल एंड
परसेंट, जो कि आप बैटरी का आइकन्स को चेंज कर सकते हो, जो कि आपको फंटा चॉइस 14 में देखने को मिलता है। यहां पर हॉरिजॉन्टल में आपको रखना है बैटरी का आइकन, यहां पर आपको इस तरीके का रखना है, सर्कल में आपको गोल सर्कल में रखना है, तो यहां पर आपको बैटरी का सर्कल गोल कर सकते हो। एंड यहां पर नो डोंट, यहां पर बैटरी इस रखते हो तो परसेंटेज आप लोग दिखा सकते हो। तो यहां पर आपको अलग अलग तरीके का बैटरी परसेंट यहां पर आप लोग चेक कर पाओगे और अलग अलग तरीके का आपको यहां पर स्टाइलिंग देखने को मिल जाती है, तो इस तरीके से आप लोग चेक कर लेना। एंड यहां पर लिखा गया यूजिंग बैटरी, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, कुछ टाइमिंग इसके अंदर बताया गया है लो, तो यहां पर आप लोग को चेक कर लेना है। इस तरीके से आपको बैटरी सेटिंग को करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर पांचवा नंबर आपका आता है, अगर आपने किसी भी ऐप को यूज करते हो तो उस ऐप को बैकग्राउंड के अंदर छोड़ देते हो यहाँ पर यूज करके, और इस तरीके से आपका ऐप बैकग्राउंड के अंदर रन करता रहता है। तो फाइव चांस दोस्तों, अगर आपने रन करते हुए छोड़ दिया और रात में लगाकर सो जाते हो, फोन को यहाँ पर रखकर सो जाते हो, तो यहाँ पर आपकी बैटरी इस ऐप पे कंज्यूम होगी जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको रिमूव कर देना है, इस तरीके से आपको रिमूव कर देना है। जब भी आप लोग इसको बैकग्राउंड के अंदर छोड़ देते हो, आपकी बैटरी इस ऐप के अंदर कंज्यूम होती रहती है, और सुबह में सोकर उठकर देखो तो 4-5% आपकी बैटरी कंज्यूम हो जाती है। तो यहां पर आपको इसे ट्राई कर लेना है एंड चेक करके इसे भी क्लियर कर लेना है। छठवां नंबर आपको एक सेटिंग बता देता हूं, जो कि आपके फोन में आई मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, जो कि आई मैनेजर पर आपको क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको क्लिक करना है टूल्स वाले ऑप्शन पे, और उसके यहाँ पे आपको मिल जाएगा फोन कूलिंग का ऑप्शन। फोन कूलिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको क्लीन करना होता है, जो कि आपको क्लीन करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जितने भी सेटिंग है, सीपीयू जीपीयू स्क्रीन बैटरी, यहां पर आपको कूल डाउन पे क्लिक करके एंड यहां पर आपको क्लीन कर लेना है, जो कि आपके बैकग्राउंड के अंदर जो भी एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे यहां से क्लीन कर देगा। और यहां पर आपको 60 सेकेंड वेट करना है, जो कि लगभग एक मिनट तक यहां पर आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपके फोन को कूल कर देगा। अगर आपका फोन हीट कर रहा है या आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम कर रही है तो यहां पर बैटरी परफेक्ट कर देगा। 100% वर्किंग ट्रिक्स है। फाइनली आप लोग अपने T3 5G फोन में ट्राई कर सकते हो, फिर हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो यहां पर आप लोग को इसे भी ट्राई कर लेना एंड इसे होने के बाद डन का ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका कंप्लीटिंग हो जाएगा। तो आपको इसे ट्राई कर लेना है, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बताता हूं रियल बताता हूं, कोई भी फेक नहीं बताता हूं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वीडियो में कमेंट करके कहते हैं कि फेक वीडियो, तो उनके लिए मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन यहां पर जो मैं बताता हूं रियल है, जेन्युइन तरीका है। तो यहां पर आप लोग ट्राई करके फिर हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग का यहां पर देख सकते हो, 10 सेकंड के बाद यहां पर हमारा सीपीयू जीपीयू यहां पर कूल कर देगा एंड हमारे फोन की बैटरी बैकअप अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है, जो कि आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो अपने वीवो के T3 5G फोन में। तो यहां पर डन करने का ऑप्शन आ चुका है और देख सकते हो कंप्लीटिंग हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग को बैटरी सेटिंग करना होता है एंड जाकर अपने फोन में बैटरी सेवर मोड एंड इस सभी सेटिंग को यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के एंड प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय दोस्तों।